हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम देखें ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। सिंपल मैंने दो चार कोन पीस बनाए हैं और उसी की हेल्प से हमारी ये ड्रेस बन गई है। वीडियो में मैं आपको चार नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूँ और वीडियो में पीछे तीन नंबर के काना बैठे हुए हैं, तो सेम ड्रेस आप तीन और चार दोनों साइज को पहना पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम इजी तरीके से मैंने बनाया हुआ है और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है, तो आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। बहुत खूबसूरत लगती है और एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसमें इसका पूरा लुक उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ पे आप फोटो देख लीजिएगा, फिर इंस्टा पे भी पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। चार नंबर के काना को भी पहना दिया है और तीन नंबर को भी आ जा रही है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ तो ये देखिए, ये इधर से भी हमारा 11 इंच है, बहुत हल्का सा दिखे 11 इंच से, बट आप 11 इंच ही लीजिए, और इधर से भी बहुत हल्का सा दिखे 11 इंच से। अब मैंने यहाँ पे देखिए क्या क्या फैब्रिक लिया है। पहला हमारा जो है ये हमारा प्योर कॉटन का फैब्रिक है, दूसरा वाला देखिए हमारा नेट का फैब्रिक है। नेट में मैंने दो पीस लिया है ये देखिए, क्योंकि अगर सिंगल लेते तो बहुत पतला हो जाता है, इसीलिए मैंने दो पीस लिया हुआ है। तो नेट का हमारा यहाँ पे है, दो पीस हम इकट्ठा ऐसे ही स्टिच करेंगे और ये वाला हम अलग सिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही सिलते हैं, उल्टी साइड से देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देनी है चारों साइड से, और इस पर भी हमें ऐसे ही मोड़ के सिलाई लगानी है चारों साइड से। चलिए दोनों को सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारे दोनों पीस यहाँ पे रेडी हो गए हैं, हमने दोनों को स्टिच कर दिया है। अब हमने यहाँ पे ये लेस ली हुई है, हमें क्या करना है इसे हमें यहाँ पे रख के सिलना है। तो देखिए इस तरह से हमें रख के इसके बॉर्डर पे सिल देंगे, इस पे भी और इस पे भी। चलिए सिल देती हूँ दोनों पे, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपने दोनों पीस को रेडी कर लिया है, दोनों हमारा चार कोन पीस रेडी हो गया है। हमें अब क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे मोड़ना है। हमने एक बार मोड़ा, यहाँ से एक बार और मोड़ लेते हैं, ये हमने दो बार मोड़ लिया। ये देखिए दो बार मोड़ने के बाद हम इस पर मार्क करेंगे, ये ऊपर वाली साइड जिधर लेस नहीं है उधर, तो हमें कितने पर मार्क करना है इसे। ये देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है, तो ये देखिए ऐसे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये ऊपर कुनाई मिलाते हुए 2.5 इंच। ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच, ये पूरे पे 2.5 इंच का मार्क कर लिया मैंने। अब हमें इन्हीं मार्क को आपस में मिला देना है, ये इस तरह से मिलाने के बाद हम इसे कट कर देंगे, ये ऐसे करके। ये हमने कट कर लिया, सेम ऐसे ही हमें अपने इस वाले पीस को भी कट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए खोलने के बाद ये इस तरह का हो गया है दोनों पीस। अब हमें क्या करना है, इस एक पहले ऊपर जो हमारा प्रिंटेड वाला है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे, देखिए ऐसे इसकी कोनाई से, एक को हमने यहाँ इस तरह से कोनाई से कट कर लिया और दूसरे को हम देखिए कहाँ से कट करेंगे, सीधा कट करेंगे इस तरह से, ऐसे मोड़िए, मोड़ने के बाद ये सेंटर में जो आ रहा है एकदम, ये सेंटर से कट कर दीजिए, ये इस तरह से, ये देखिए हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम सीधी साइड से आप इसे रखिए, ये देखिए पहले हमने सीधी साइड से इसको रखा, अब हम इसके ऊपर सीधी साइड से इसको रखेंगे, बस ये जो कट है ये दोनों मिलाते हुए रखना है इस तरह से, ये ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे, चलिए लगाती हूँ।
ये देखिए हमने सिल दिया। अब सिलने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आप इसे ऐसे हल्का सा कट कर लीजिए, कट कर लेंगे तो सिलना इजी हो जाएगा मोड़ के। ये ऐसे ये देखिए बस इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे दोनों साइड से। चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने सिल दिया। अब सिलने के बाद मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाला हुआ है। हम सुई धागे की हेल्प से यहाँ ऊपर से इस पे इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के हमें इसे इकट्ठा करना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली आपको चार कोन पीस रेडी करना है दो, और उसी की हेल्प से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा के और फैब्रिक को अपने इकट्ठा करेंगे। ये ऐसे ये देखें अब लगभग हम लास्ट में आने ही वाले हैं। ये इस तरह से देखिए एकदम हम एंड में आ गए हैं। इसे हमें पूरा खींच के इकट्ठा करना है। एकदम ये नहीं कि इकट्ठा कर दीजिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ। हम इसकी कमर छोड़ेंगे पहनाने के लिए, तो कमर जितनी गोलाई हमें छोड़नी है। ये ऐसे करके ये देखिए बहुत खूबसूरत इसका घेर आएगा। हम अब देख लें यहाँ पे हमने इतना छोड़ा हुआ है। मैं नॉट लगा देती हूँ फिर आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी लंबाई आपको छोड़नी है, कमर के लिए कितनी लंबाई रखनी है। यहाँ पे हमने नॉट लगा दी, इसे कट कर देंगे और कट करने के बाद देख लेते हैं कि हमारी लंबाई कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जो कमर है वो हमारी आ रही है देखें लगभग 4-4.5 इंच के करीब में। हमें अब इस पर एकदम सिंपल सीधी सी सिलाई लगा देनी है, जिसे हमने जहाँ पे फ्रिल बना दी है वहीं पे हमारी वो सेट हो जाए। अब देखिए हमने यहाँ पे ये नेट ले लिया है, हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ना है और उल्टी साइड से हम इसे रख के सिलेंगे। एकदम सिंपल सीधा सा मैंने नेट लिया है, कोई और ये पट्टी नहीं कट की है। चलिए सिल लेती हूँ। सिलने के बाद हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के इसे कट कर लिया। अब जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये डोरी डालते हैं और डालने के बाद हम इसे ऐसे पलट के सिल लेंगे। सिलाई लगाते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आपको डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है और अपनी सिलाई को लॉक जरूर करें। ये देखिए ये हमारा नीचे का घेर हो गया है। अब मैंने यहाँ पे चोली के लिए ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच और चौड़ाई 2 इंच ली हुई है। हम इसे देखें इस तरह से इधर से थोड़ा सा मोड़ेंगे, थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे और यहाँ पे हम इसे ऐसे पलट के सिलेंगे। सिलते वक्त अपनी लेस यहाँ पे रख के स्टिच कर दीजिए या फिर सिलने के बाद स्टिच कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। चलिए पहले सिल देती हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। सिल के फिर हम लेस यहाँ पर रख के सिल देंगे। ये देखिए हमने सिल दिया। अब सिलने के बाद हम इसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ से हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद थोड़ी दूर तिरछी सिलाई लगाएंगे तो हमारी चोली भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी यहाँ पे चोली जो है वो रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे नेफी के साथ रख के सिल देंगे और यहाँ पे भी अपनी येलो वाली लेस अटैच कर लेंगे। एकदम सेंटर में रख के हमें सिलना है नेफी के, तो येलो वाली लेस मैं कट कर लेती हूँ और इसे भी हम स्टिच कर देंगे। बहुत इजी है गाइस, यही लेस स्टिच करते वक्त सेंटर में चोली भी स्टिच कर लेंगे हम। ये देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये रहे 3 नंबर के कान्हा जी और यहाँ पे देखिए 4 नंबर के कान्हा भी हैं। तो सेम ड्रेस आप 3 और 4 दोनों साइज को पहना सकते हैं, बहुत इजीली आ जा रही है। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 4 नंबर के काना को पहना दी, इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर के हैं, ये 3 नंबर को भी आ जा रही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे।